जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले मैं आज आपको एक वीडियो दिखाता हूं हमारे मोदी जी का, जो कि बॉर्डर पर जाकर जवानों को मिठाई खिला रहे हैं और लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं। स्वदेशी सेना बढ़ाएंगे, देश को मजबूत करेंगे, सेना को मजबूत करेंगे। तो मैं कुछ एक सवाल मोदी जी से और बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ। अगर कोई भी बीजेपी भक्त इन सवालों का जवाब दे देगा तो मेरी तरफ से मनचाहा इनाम 10 लाख रुपए का चेक मैं उसको दूंगा। पहला सवाल, जिन जवानों को वो मिठाई खिलाकर सेना को मजबूत करना चाहते हैं, उन जवानों की सर्विस 4 साल कर दी गई और 4 साल के बाद 75% को बाहर कर दिया जाएगा और 25% जो रखे जाएंगे उनको किस आधार पर पक्का किया जाएगा, या ये सिस्टम सेना को मजबूत करेगा, हाँ या ना बताना। हाँ, जवाब देने से पहले एक चीज और बताना, अगर ये अच्छा सिस्टम है तो अधिकारियों पे लागू क्यों नहीं? क्यों अधिकारियों के लिए 60 साल की सर्विस और पेंशन लागू है, लेकिन ये सिर्फ सेना में जवान जो कि सिपाही से भर्ती होता है, जेसीओ, सूबेदार, मेजर या ऑनरी कैप्टन तक आता है, उन्हीं पर ये रूल क्यों थोपा जा रहा है? दूसरी बात, ये कहते हैं कि नाम चेंज करेंगे, पुरानी अंग्रेजों की प्रथा ही चेंज करेंगे। क्या किसी गौशाला में जहां गाय रखी जाती हैं और उस गौशाला का नाम चेंज कर दिया जाए और उसके अंदर कुत्ते पाल दिया जाए तो वो क्या गौशाला रहेगी? तो अंग्रेजी प्रथाओं के नाम चेंज करने से क्या वो अंग्रेजी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी? सहायक प्रथा, जिसमें आज भी पहले ब्रिटिश अधिकारी क्या करते थे, इंग्लैंड के सैनिकों से नहीं, भारतीय सैनिकों को जबरदस्ती अपने घरों में बूट पुलिस, कुत्ता घुमाना, इस तरह घरेलू काम के लिए बड्डी, सेवादार, बटमैन, किस किस नाम से वो यूज करते थे, और आज भी वो सेम प्रथाएं जारी हैं। क्यों नहीं इसको ये बंद करना चाहते, ये या हमारे अधिकारी? उसका नाम चेंज कर देंगे, ये तो बड्डी है, साहब का निजी सलाहकार है, उसको एडमेंशियो, कभी उसको दोस्त के नाम पर, इस तरह अलग अलग नाम देने से क्या प्रथा गुलामी की चेंज हो जाएगी? जिस जवान को सरकार 60 से 70 हज़ार रुपये देती है, जिस जवान को फील्ड का अलाउंस देती है और वो बैठा हुआ दिल्ली में जूते पुलिस कर रहा है, कुत्ते घुमा रहा है, क्या इस तरह देश का बजट और सेना मजबूत होगी? और ये 30% 25% जो सैनिक पक्के होंगे वो ज़्यादातर इन्हीं में से होंगे, तो क्या सेना मजबूत होगी? क्या ये सेना पाकिस्तान, चाइना, इनका मुकाबला करेगी? ये जवाब मैं चाहता हूं कि हमारे बीजेपी सरकार के या बीजेपी के भक्त या मोदी जी के भक्त बताएं, जो मिठाई खिलाने से क्या मजबूत हो जाएगी? हमारे ही कुछ सैनिक कि इससे तो नौकरियां भर जाएंगी, सबको मौका मिलेगा। पहले 65,000 वैकेंसियां थी, जिसमें से मात्र अभी सिर्फ 25,000 भर्तियां इस साल में हो रही हैं, 25 अगले में, ऐसे करके यानी वो 65,000 जो पहले भर्ती होनी थी, अभी नए साल में और भर्ती आनी थी, उनको कम करके, सिर्फ जवानों को कम करके ये ऑटोमेटिक हथियार खरीद कर फौज को देना चाहते हैं। लेकिन क्या वो ऑटोमेटिक हथियार अपने आप चलेंगे? रूस का हाल आप देख चुके हो, कैसे एक यूक्रेन ने नाक में दम कर दिया, और हमारे तो बोलते ना चारों तरफ से हम ऐसे दुश्मनों से घिरे बैठे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, और वो इंतजार इन्हें नरेंद्र मोदी दे रहा है। मैं भी अभी तक बीजेपी को ही वोट देता था, लेकिन जब से ये अग्निपथ आई है, जब से 10 लाख युवाओं के सपने टूटे हैं, पुराने पेपर इन्होंने कैंसिल करे हैं, तब से मैंने शपथ ली है और अब तक हजारों लोगों को शपथ दिला चुका हूँ कि जब तक ये सुधार नहीं होती, अग्निपथ में बदलाव नहीं होता, सहायक प्रथा खत्म नहीं होती, जो जवानों अगर विदेशी तर्ज पर जाते हो तो विदेशों में एक मैस है, एक जगह एक जैसे भोजन मिलता है जवान जैसे और अफसर को, और हमारे यहाँ जवानों को आज भी वही भोजन सड़ा गला जो मैं दिखा सकता हूँ और डेट का खाना जा रहा है, फिर उसके बाद जैसे में फिर अफसर में इसके तो बारी नहीं आ रही हैं। गाड़ियाँ, सरकारी गाड़ियाँ जो जवानों के कागजों में लिखी जाती है कन्वेंस ऑफ ओवार्स, लेकिन इनके अफसरों के बच्चे, कुत्ते और बीवियाँ घूम रही है शॉपिंग के लिए, इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं करेंगे। क्यों? कि कहीं ना कहीं अधिकारी और नेता मिलकर ही इस देश का 50 से 60% बजट अपनी तीनों तिजोरियों में अपने बच्चों के लिए सेव कर देते हैं और इस देश का आम नागरिक, जवान
और वो लुटता पिटता और लड़ता मरता रहता है, और ये लोग मलाई खाते हैं नए नए नियम बनाकर। इसलिए अगर ये नियम नहीं बदला तो हम सरकार ही बदलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।